ईमानदारी से और हाथ उठा लें, हाथ उठाइए, ताली बजाओ बरियारे। अभी हम ताली काहे बजवाई ले पर गौर कर। बाबा रामायण में लिखे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय बिहंग उड़ावन तारी। जब कस के ताली बजाए तो देही में जितना बीमारी मलेच्छ रोग बा इस सारा रोग बीमारी उड़ के फरार हो जाई। जैसे मान ली 10 जने ताली बजावत आ रहे, एक जना बहटी आवत आ रहे, तो जे बजावत आ ओकरे देही पर के बीमारी रोग भागी। अब भाग के केकरे ऊपर चढ़ी, केकरे ऊपर जे है तार बैठल बा है तार। उठाइए हाथ ऊपर, हमको उठाइए सब, बजाओ ताली बढ़िया कर गड़ा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ताली विधोद बजाइएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। बोल दी समरिया सरकार की, रजा राम चंद्र की। अब रोरा आ जाई कथा की तरफ। हेलो हेलो हेलो, सीताराम सीताराम, हरिओम सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय माता जी,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की कथा जौन चले जाता रूरा गौर कर, ये रामचरित मानस के पोथी जब हमरा शंकर भगवान रच के तैयार कैली तो तुलसी बाबा रामायण को लिखे हैं। तुलसी रामायण जब लिखे हैं तो चार घाट पर कथा है। जब तुलसी बाबा रामायण लिख के तैयार कैली ना तो पहले तुलसी गंगा मैया के घाट पर, बनारस आप असी घाट है, बनारस में असी घाट पर बैठ करके गंगा मैया को कथा सुनाए। पहली कथा पहले तुलसी गंगा मैया को कथा सुनाए और दूसरी कथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और तीसरी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे हैं और चौथी कथा श्री काकभुसुंड जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। ये चार घाट है लेकिन आज पहले घाट पर आपको ले चल रहे हैं। पहली घाट पर कथा के करबा तो हमारे भोलेनाथ की कथा है। रामायण में पहले कथा के करबा राम जी के कथा बागी शंकर जी की, पहले शिव कथा है। शंकर जी की कथा जब समझ जाओगे ना तो राम कथा समझ में आ जाएगी और सिर चर्चा में जितने लोग जाते आते हैं पहले समझने का प्रयास करना कि बाबा जितनी कथा हम लोग सुने थे आज हम लोग के समझ में आ गया कि बाबा आप क्या बोले हैं। पहली कथा तुलसी बाबा सुनाए हैं गंगा मैया को असी घाट पर बैठ करके और दूसरी कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और तीसरी कथा श्री शंकर भगवान माता पार्वती को सुनाए हैं और चौथी कथा लास्ट कथा श्री काकभूषण जी महाराज कौवा श्री गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाया है। महाराज चार घाट है लेकिन आइए पहली कथा में ले चले हम। प्रयागराज में इलाहाबाद में कुंभ लगता है, प्रयागराज में इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ लगता है तो कभी 12 बरस 6 बरस पर दो कुंभ लगता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज गई लही नहाए स्नान करे, स्नान करे गई तो यहाँ के कौलबास लहली एक महीना रहली। एक महीना कौलबास लहला के बाद भरद्वाज जी के आश्रम पर गईली। अब भरद्वाज जी के आश्रम पर जब गईली तो भरद्वाज जी महाराज अपना थाली में पानी लेके इनका पैर धोले। साधु दरवाजा पर आ जाए तो बुझ ली राउर तकदीर बहुत तेज बा, और दरवाजा पर कोई संत ना आए ना तो ये जान लेला कि मेरा भविष्य खराब है। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, आ ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। अब मोहेबा भरोस हनुमंता, अब बीनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संता जहां संत तहां तीरथ बासु, आ जहां राम तहां यवद निवासु। कथा शुरू हो गई है, गौर से सुनना। भरद्वाज जी महाराज के जब आश्रम पर गईली याज्ञवल्क्य जी तो यहाँ के चरण पखार के आसन पर बैठौली। जर जलपान कैला के बाद श्री भरद्वाज जी महाराज यह याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं, कैसे हाथ जोड़ करके निवेदन किए। पहली चौपाई कथा का प्रसंग का मैं पहली चौपाई बोल रहा हूं कि राम कवन मैं पूछूं तो ही कहिए बुझाई कृपा विधि मोही, कहिए बुझाई कृपा विधि मोही, कहिए बुझाई कृपा विधि मोही, कहिए बुझाई। आप जितने लोग बैठे हैं पहले समझ लीजिए, श्री भरद्वाज जी महाराज के यहाँ के प्रश्न वाक्य से याज्ञवल्क्य जी महाराज से कि राम कौन मैं पूछूं तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम योद्धेश कुमारा,
आ तिनकर चरित विदित सन सारा। ये राम कौन है बताने का प्रयास करो आप। मैं मानस की पोथी से बोल रहा हूं और रामायण का रामचरितमानस का पहला श्लोक बाबा ने लिखा है कि बड़ा नाम और संघा नाम रसा नाम छंद सांपी मंगला नाम चौकर तारो बंदे बाणी विनायको। भगवान की बड़ी सिम कृपा है जो आप लोग सुन रहे हैं और हमारे जैसे विद्वान भक्ता को बुला करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये कहले कि राम कौन मैं पूछूं तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा आ तिनकर चरित विदित संसारा। ये राम कौन है बताने का प्रयास करें आप। राम कौन है? दशरथ के पुत्र राम है कि घटघट के राम है? आखिर राम है कौन? राम को अक्षर में लिखाइल बा तन बोली ना दू अक्षर। शिव को अक्षर में लिखाइल बा दू अक्षर। माला को अक्षर में बा दू अक्षर। हई यौन चलता हबर हबर बोलत नहीं हम को अक्षर में बाई दू अक्षर। सृष्टि के निर्माण जब ब्रह्मा जी कैली ना ते शरीर के सजीव पुर्जा दू अक्षर में बा। गौर से सुनना, शरीर का जितना पुर्जा है दो अक्षर में। बाल, बाल को अक्षर में बा। बाल, कान, नाक, ओठ, गाल, दांत, मुंह, जीभ, दाढ़ी, गला, छाती, पीठ, पेट, पैर, जितना पुर्जा है को अक्षर में हो रहा है ना बोलो दू अक्षर में। अंदर आ जाइए, अंदर हाड़, चाम, नौज, खून, मांस को अक्षर में बा दू अक्षर में। जौनी खानदान से पैदा होता नहीं जा यो दू अक्षर में। नाना नानी, मामा मामी, अम्मा पापा, चाचा चाची, मौसी मौसा, भैया भाभी, दीदी जीजा, फुआ फूफा को अक्षर में होता। बाबा लिखे हैं कि मोरे मन प्रिय अति विश्वासा राम से अधिक राम कर। भगवान से बड़ा स्थान किसका है? जो कथा में बैठे हैं। आप अपने को कभी पोजीशन कम न लेना। बड़ा तकदीर वाले लोग कथा में बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। ये कहले कि राम कौन मैं पूछूं तो ही। जैसे मान ली हमसे रवरा पूछी कि राव नाम का हो। हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि बाबा आपका नाम क्या है और हम कह रहे हैं हमारे हैं गोरखपुर से, तो ये आंसर गलत है कि सही है? गलत है। आप मेरा नाम पूछ रहे, नाम बताना चाहिए। हम कह रहे हैं गोरखपुर से। ये कहले कि राम कौन मैं पूछूं तो ही आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित सन। एक बार राम का नाम इन्होंने लेबे नहीं किया। अब यू कौन कथा शुरू कर दे तो डायरेक्ट शंकर जी का पकड़ ले। एक बार त्रेता युग युग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही। संघ सती जग जननी भवा जननी भवानी पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। बोल दी शंकर भगवान की। राम के चर्चा यहाँ के पूछनी है, लेकिन केकर चर्चा शुरू हो गई? शिव जी के चर्चा शुरू हो गई। हे रमेड़वा में पहले शंकर जी के हमारा भोलेनाथ के कथा बा। जब शंकर जी को समझ जाओगे तो राम जी समझ में आ जाएंगे, और शिव को नहीं मानोगे तो राम समझ में आने वाले
एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। शंकर जी की मेहरारू के नाम का ना हो क्यों जाने बोलबल हो गए। शंकर जी की औरत का नाम क्यों नहीं बोली तन कड़े रे बोले बाबा। शंकर जी की औरत का नाम क्यों नहीं बोली। अच्छा तो कौन सी चर्चा होला जितना नहीं बोलबे लोग। शंकर जी कथा सुनावे लेके जाता है अपनी मेहरारू के। शंकर जी की मेहरारू के नाम पूछा तनी का नाम पार्वती नाम गलत भाई है तो मतिया तू लोग डेरा तड़ कही की ना कही। शंकर जी की पहली मेहरारू का नाम बताओ। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु। कथा हमारे समझ में आता कि ना। शंकर जी कथा सुनावे जब लेके गईले कथा सुने तब पहली मेहरारू के नाम है सती। पहला बियाह जौन भइल है राजा दक्ष के बेटी है प्रजापति राजा दक्ष के बेटी है आ राजा दक्ष अपना बेटी के बियाह शंकर जी से कहले रहले। का नाम हो राजा दक्ष के बेटी के नाम सती। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु। शंकर जी पहली मेहरारू का कथा सुनावे लेके गईले अब पहलवे बेर गईली पूरा जीवन खराब। वीरेंद्र बाबा हाथ जोड़ के आज कह कथा में जो लोग आए 3 घंटा अपना दिमाग एकदम कंट्रोल में करके बैठो इतने पर के बात के सुनता सही बोलो। बेटा बापे के बाद बेटा मानता मर्दे के बाद मेहरारू मानत या सासू के बाद पतोह मानत या केहू के उसे मतलब बा। वीरेंद्र बाबा 3 घंटा सबके मना दिएगे ना ना मना दे नहीं मनाई हमरो नहीं क्यों मानी कहो ना मन बलोग 3 घंटा एकदम कांटा करके बैठाएंगे। बाबा के कथा तो समाप्त हो जाए रूरा बुझी नहीं पाई कब हो जाता खाली सीरियल सुने जाए कि वीरेंद्र बाबा जौन हमने का कौरी ले जैसी चर्चा वह होता कि दूसर हो क्या लागू। शंकर जी के कथा सुनावे लेके जाता नहीं। देखी बड़ा तकदीर जेकर तेज हो तेकर मर्द अपना मेहरारू के कथा सुनावे लेके जाए। भाई बसावा टोला है तो उते टोला न बा आधा गांव का मर्द खाखा सूत गई है अब मेहरारू के वाड़ी वाड़ी बन को का चल चल तनी हमार सुन तू सुता का करेगा तारा साथे मर्द जे ही है कहो तनी में जे बैठल बाबू बताई औरतन के पति एगो होले कि दूगो तन बोला हो तो हलो के एगो पति बने के दूगो नहीं बोल बोलोग। अरे सत्संग में कबो तो गईल हो बुझा दादा को गो पति बने एगो कि दूगो एगो आई सेनूर लगल बड़े इनके तो इतना डुप्लीकेटवा मर्द सिंदूर जो लगाया है वो मरेगा कि नहीं मरेगा नहीं मरेगा कहियो राती के छोड़ दी दिने में छोड़ दी जाती पीट कर रोए पड़ी रहा हटी कि नहीं हटी। ये डुप्लीकेट पति है और एक और पति है बाबा तुलसी रामायण में लिखे हैं कि तुम करुणा के सागर सबके प्राण पति। मैं मानस से बोल रहा हूं सबके प्राण पति। वीरेंद्र बाबा के पति बन गया रौरा पति के पति बन गया कौन पति ये प्राण के भाई तो सिंदूर लगा वाला डुप्लीकेटवा मर्द बा रसोई बना के दे तड़ू ता अच्छो अच्छो बा दू ये टाइम खाना न बनावा देखा बाउंडल हो जाता कि ना हो जाता। हाँ दशा खराब मर्द कमा के ले आवा था मेहरारू आ छो छो कैले बा अब 5 दिन बैठ जा डिप्टी न कर नौकरी न कर मजूरी न कर देख तार आरती उतरा था बोलत बोलत हार जब कब चाय नहीं मिली बियाहवा को के जेके ले आल बनी ओकर बात होता। ये डुप्लीकेट रिश्ता है भगवान का रिश्ता कभी टूटता नहीं है परमात्मा का रिश्ता। ये गजल की लाइन बजा लीजिएगा ये समा जब बुझ गई तो बोलो समरिया सरकार की जय।
ये समा जब बुझ गई तो अरे महफिल में रंग आया। अरे जीवन खत्म हुआ तो, ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सम्मा जब बुझ गई तो महफिल में रंग आया, आ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ईमानदारी से बोलो, सहुर हमनी के कब सीखल जाता, बिगड़ गए पर कि बनले पर? इतनी पर सहुर बुढ़ौती में सीखल जाता। जब ले जवानी रहो तबले तो बुझात रह के बर्बाद कह दो, केकर लूट लो, केकर का कह दो, केकर बिगाड़ दो। लेकिन अब यह बुझाता भगवान शरीर के कौन गति हुई। पहले दवाई कोने डॉक्टर से होला, झोला छा, आ जब बीमारी गंभीर हुई तो मथौली चल चाहे कप्तानगंज चल, आ इो रिफर कर तो गोरखपुर, आ गोरखपुर रिफर दिल तो पीजीआई, आ पीजीआई के डॉक्टर लौटाई तब के बोलावल जाए। आखिरी में कौन होगा, आखिरी में सहारा के होई, घर के लोग है तर सुन ल, जितना टोला के लोग जुटल बा, पटीदार ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, ध्यान से सुनियो, पटीदार अगर ऋषि आई हो जाए तो कुछ बिगड़ी ना, मामा मौसा ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, टोला महला ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, एक गांव के प्रधान ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, कोटेदार ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, संसद विधायक ऋषि आ जाए तो कुछ बिगड़ी ना, लेकिन परमात्मा नाराज हो जाए तो नहीं बोलोगे तो कुछ बिगड़ी की सब गए, जितना थाती रहला सब चल गए। मनावे के चाहिए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, दुनिया के लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मेरे परिवार पर कभी आप मत नाराज होइएगा। अच्छी बात है कि नहीं है, भगवान को मनाना चाहिए। ये दुनिया वाले खुश रहेंगे तो बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे? ए बिगाड़ल छोड़ के क्यों बनाई ना, हेतिये मुख टोला बा गांव में पता करी हो, के देखल के चाहता भीतरे बुझे वाला तो बुझते है बा। कहो बाबा ये टोला पर के उसे खुटमत हो ही ना, रंगदार टोला हो, 9 दिन में वीरेंद्र बाबा बोध कह दी है कि बाबा वो असली बोल के गल बड़ाई है हमारा करे के बा। अभी कथा हम शुरू करता नहीं, शंकर जी अपनी मेहरारू के कथा सुनावे लेके गई ले। शंकर जी की औरत का नाम सती, सती कली कहां कथा होता, शंकर जी कहले पर्वत पर कथा होता। सती कली सजी रामायण जब रो रही चले बानी तो कथा सुने कहां चलता नहीं, शंकर जी कहले वो जगह पर चलता नहीं जहां दिमाग बदल जा। कथा से विचार बदलता है कि नहीं, बदल जाता है। ए कोनो स्कूले पर संस्कार नहीं पढ़ावल जाला, किसी यूनिवर्सिटी में जाए तो संस्कार नहीं पढ़ाया जाएगा, डिग्री कॉलेज में संस्कार नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कथा के पंडाल में आएंगे तो यहां तो संस्कार पढ़ाया जाता है ना। केवल संस्कार समझने का प्रयास करो। शंकर जी लेके गईली तो सती के लेके आगे में बैठली। शंकर जी रामायण रचना किए हैं और धरती पर सबसे बड़ा देवता हमारे शंकर भगवान है, हमारे अविनाशी भोलेनाथ है। आज सावन का महीना में कोनो ऐसा घर नहीं है जकरा घर तीन पतई के पत्ता चढ़त ना होके। तीन पतई कौने पौधा में होला, पपीता में, कौन पतई है,
1000 बेर शिव चर्चा में जा, लेकिन जेकरी हाथे से तीन पतई के बेल के पत्ता न चढ़ल भोलेनाथ का, तो शिव चर्चा में जाने से कोई मतलब नहीं। शंकर जी को एक महीना जल चढ़ाओ और पांच पांच पत्ता श्रीफल का पत्ता चढ़ाओ, अगर मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो कहना वीरेंद्र बाबा आप गलत बोल करके कथा गए हो। हमारे भोलेनाथ प्रसंग किस पर होते हैं? फूले पर, लड्डू पर। बेले के पतई कौन महंगा बा कहो? वह शंकर जी के चढ़ी और कौन देवता के चढ़ेला? शंकर जी लेके गईली तो आगे में बैठली, कहा शंकर जी कुर्सी पर बैठली कि भोईया ना बोलो? कथवा सुने गईली जब सती के लेके, तो भोलेनाथ नीचे बैठे कि ऊपर? कथा कहाँ बैठ के सुनक चाहिए? वीरेंद्र बाबा के ऊपर, ऊपर। कभी भी कथा में जाओ तो पहले जमीन पर बैठो, बारिश हो जाने की वजह से कुर्सी मंगाई गई है। कुर्सी का मतलब पानी, और जमीन पर बैठकर जो व्यक्ति कथा सुनता है वो जमींदार है, और जो चौकी पर से बकबका रहा है वो चौकीदार है कि नहीं है? शंकर जी कहले प्रेम से बैठा कथा शुरू होके जाता, सती के लेके जब बैठले तो तुलसी बाबा लिखली संग सती जग जननी भवानी। जग जननी भवानी पूजहि मुनि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी जब ले के माता सती के कथा सुनावे बैठली तो कुंभज ऋषि जी जे कथा वाचक रहले न, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कहले। अच्छा बताइए, शंकर जी को प्रणाम हम लोग करते हैं कि वो करते हैं? हमने के भोलेनाथ प्रणाम करी ले ना, तुलसी बाबा सबको प्रणाम किए। जैसे मैंने कहा है कि सी आराम में सब जग जानी आ करहू प्रणाम जोर युग। जे कथा वाचक रहले ना कुंभज ऋषि जी, हथवा जोर के प्रणाम कैले, आ ज्यों प्रणाम कैले तो सती माता कथा सुनल बंद। कोली दादा ई कौन प्रवचन करिए जब हमारे मर्द के ये गोड़ लागत रहे? ये गौवा पर कई मेहरारू कहत हो यहाँ भीतर है, जब वीरेंद्र बाबा बोलते ना तौन तो हमार मालिक जानबे कर। कई गो मर्दो इतर बतिया वाले लोग पुरुष लोग कि जो बाबा कथा कहे है ना हमको तो ये मालूम है, शंकर जी पूरा रामायण रचे हैं लेकिन तभी कथा सुनने दूसरे के पास गए हैं। ऐसा कभी न सोचना कि सबसे आगे हम, नजर उठा करके देखना कि एक से एक आले लोग हैं महाराज। हम कोई विद्वान नहीं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी कथा में आज कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च होता है तो कथा होती है। और वीरेंद्र बाबा को तो आप लोग बुला लिए हो, लेकिन एक जान ले तुलसी के पत्ता छोटहन होके चाहे बड़हन होके काम बराबर करी कि ना? ना करी। सहगावन के पतई हेते तेबा उसे भोग लागी लगी जी। भोग कैसे लागी? अब भोग लगावेला सौदा घर में बनी तब न लागी। जौने घर में शंकर जी के फोटो लागल बा, मूर्ति धोल बा, हनुमान जी के फोटो लागल बा, दुर्गा जी के फोटो धोल बा, मूर्ति धोल बा, अगरबत्ती कपूर सास पतोई देखावत अड़ी, और वही घर में लहसुन प्याज डार के अब बाजारी से काट के आयल हाड़ गोड़, और वही में धुआं रहा दिया था, वो घर में देवी देवता रही हैं कि भगी हैं? बोला हो बसावा टोला पर तक खाते ना ही हो, पूरा गांव साध हुए हो, अब बुझे वाला तब बुझते है। तो परेशान ना हो कि ये बाबा बीमारी हो गई, ब्लड कैंसर हो गल, ट्यूमर हो गल, पथली हो गल, हृदय रोग हो गल, शुगर हो गल, बीपी हो गल, 100 गो रोग पकड़ेगा। देवी देवता से मजाक मत किया करो आप, कतई नहीं। अगर घर में मूर्ति है, फोटो है, कैलेंडर है तो बाहर बना करके जिनको खाना है खाएं, लेकिन मंडप में ऐसा कार्य कभी मत करो आप। बोलो सच्चे दरबार की जय। हथवा जोर के जब प्रणाम कर ले तो सती कथा सुनल बन।
अकेले भगवान शंकर जी कथा सुनता नहीं के सुनता, हमारे भोलेनाथ अकेले सुन रहे हैं कि राम कथा मुनि बर जय बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान अकेले कथा सुनत नहीं, और बताई सती के जमाना गलत होई कि निमन होई। मर्द मेहरारू दुनिया ने गल बस स्त्री पुरुष, हमारे भोलेनाथ और माता जी भी गई हैं, लेकिन शंकर भगवान अकेले सुन रहे, माता जी नहीं सुनी। अब ये जो जीवन बर्बादी, कथा में मत आओ ठीक है, लेकिन कथा में जब आए तो विधिवत कथा सुने, और कथा के बाद आरती को प्रणाम करें, और आरती के बाद प्रसाद जो मिले वो प्रसाद लेकर के तब अपने घर को जाना चाहिए, परिवार को गड़बड़ हो जाएगा। उस ससुरा से निकल नहीं हर वे बात, हमारे भोलेनाथ उसी पर लुभाते हैं का एक लय ले लिया। सभी लोग आएंगे, अरे बिल के पतैया में का बाटे भोले दानी लोभा गई ले है। पतैया में का बाटे भोले दानी लोभा गई ले ही। का बाटे भोले
फूलदानी लोभा गई ले बैलवा में का बाटे भोले दानी लोभा बताइएगा, भगवान को 5 मंजिला बिल्डिंग पसंद है? नहीं। भगवान को सुंदर शरीर पसंद है? नहीं। भगवान के 50 बीघा खेत बाई पसंद है? नहीं। भगवान को रुपया पसंद है कि करोड़ों वाले हैं? नहीं। अगर परमात्मा का प्रेम आपके पास है, अगर प्रेमी आप हैं, तो आप भले कुछ न हो लेकिन भगवान आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। सेवरी के लग कोमल धन रहल हो, सेवरी घरे कोमल धन रहल, सेवरी के घरे गैल कि ना, सेवरी के छुअल पानी पियले कि ना, छोट जात रहे पानी पियले, केवट के लग कोमल धन रहे। भगवान केवट के बड़ी नाव वाले थे घाट पर, लेकिन केवट के नाव पर चढ़ के भगवान पार हुए। अजामिल के पास कोमल धन था। अगर भगवान का परिचय लेना चाहते हो तो परमात्मा को कोई धन से मतलब। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कथा जब पूरा हो गल तब कहली की चल सती कली हो गल कथा। शंकर जी कहले हो नहीं गल, पूरा हो गल, पूरा हो गल। तंता कब हमरा और एगो लड़की अपने ससुरा गई। अब 5 दिन बीतल तबले हिमगंगे तेल महकौआ खोल लो। हिमगंगे तेल बुझे तेना महकौआ ढकना खोल लो। आ खोल के कलश कपारे पर धोरी तब एगो छोट देवर रहे। देवरा कलश से भौजी छछुनर मोल बा का बसाता भौजैया कलश निरले पगले है का। अरे हिमगंगे तेल है महकौआ तेल तोरा छछुनर मोल बा। देवरा कलश से भौजी देबू। देवरा हथवा पसरल आ भौजैया ढरल। देव ढरल तोरे लब दे देवरा चाट लियल। चटला बस 8-9 चटकना चटा चट मरती तबा। कलश काहे चटले रे तेल देनी यहाँ तो पर चाटे खतरे महाकावा तेल चटवे। 4-5 तमे चा मर लो। आई रोवत दुआरी पर गले जिनसे बियाहवा भले कले काहे रोवत अड़ आ तो भौजी तेल दे लिए कई तमे चा मार दे हली। बहिया पकड़ ले गले कले कतार नैहर के ये चाल हो ये सिखले बाड़ू नैहर में। अभी 4 दिन गौना भले भले तले हमारे भाई के मार दे हलू। दुल्हनिया कलश मार गलती ना बा। हिमगंगे तेल खोलिए तो कहत अच्छा छुनर मोल बा। हाथे पर देनी तो चटलो से चाट दे पिटाई ना। हिमगंगे तेल चाटी कहले वैसने नालायक बटले बे काहे चटले हो इतना तेल ल काहे ना रोटी पर पुत के खा घर ले रे बकलो लावा। दुल्हनिया कहले सोचे दोगला तई बा। 10 गारी नहु के दी हलस कहले बापे दे तेल देखले बड़े तोरे हिमगंगे तेल रोटी पर फुताई रे दोगला कहीं के। 4 गारी हो सुन ले कपारे हाथ लगा के बैठल बड़े छोटका रोआ त तोले बुढ़िया आई। ओ लइकन के माई कली का भइल आ त बाबू के तेल दल से कई तमें चा मरल स हमऊ के धाय धाय गरियावत या। दोनों के बहिया पकड़ ले गोयल बुढ़िया कलत कल है दुलही ने तर नैहर के ये संस्कार है ये सीख के आयल बड़ू। ई लोलहा बोला देवर है के मरलू है के गाड़ी दे तर तार मर दो। दुल्हनिया कल समार गलती ना बा। तेल खोलनी तई कहत अच्छा छुनर मोल बा। एक हाथे पर देनी तो चटलो से चाटी तो पिटाई ना। आई मल छ कहता खाए ना रोटी पर फुत के खा घर ले। बुढ़िया कले दू का दोनों दोगला बाड़े सो काय का उल्टा पुल्टा बोले बताओ इतना तेल ल दाल छौका ले तो घर भर नहीं खाइत रे। दुल्हनिया कॉलेज गुजर तो हो भाई
घरवा भरी पागल बने सोकारी हिमगंगे तेले से दाल छौकाई अपनी बेटी के बियाह कबो करत संस्कारित परिवार में। शंकर जी कहले अब चल हो गई चल कथा सती कली हो गई कहले हो गई। तुलसी बाबा रामायण में चौपाई लिखले मुनि सन विदा मांगी त्रिपु रारी चले संघ ले दक्ष कुमारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी आ चले संघ ले दक्ष सती के लेके चलनी कथा संपन्न। लेकिन शंकर जी जब चले लगली तो शंकर जी रोवतनी काहे तो इतना बढ़िया कथा सुनावे लेके गली कथा ना सुनली। इरोरी गांव में कथा होता जकरी घर के लोग ना आई तो भगवान शंकर जी खुश होंगे कि नाराज नहीं बोलोगे तुरंत नाराज होंगे। अरे दो तीन घंटा का टाइम निकाल करके भगवान की कथा इतनी पर कोनो कार बा जी न धाने के कटिए बा न रोपनीय होता सोहनी बा लामनियर के खेते में बाप ता दवाई के जमाना अगल बा डार के लोग खोर हो जरा देता कोनो काम बा कटिया मशीन से होता रोपनी जाने करता ने कोनो काम ना बा। लेकिन इतना तो टाइम निकाला कि तीन घंटा चल के भगवान की कथा सुनी हम। शंकर जी लेके चल ले। एक जन साधु बाबा उघारे सुतल रहले लिंगोटी पहिर के आ एक जन राजा घोड़ा पर सवार होके अले आ जाड़ा के महीना रहे साधु बाबा हे तर कांपत रहले। राजा साहब अपन रेशमी चद्दर 5000 के टप दे साधु को उड़ा दिले। आ जब साधु को उड़ोला तो साधु बाबा कहला जियत रहे राजा यही तरह करत रह ई तो उड़ा के चल गए तो चार गो चोर अले। चोरवा कहले रे काहे के इतना बढ़िया चद्दर उड़ले बा ऐ साधुया के सूट करता टप दे चदरा लेके जाए लगले। सो साधु बाबा कहले जियत रहे बाबू यही तरह करत रह लोग एक बतिया कहले कि दू गो बाबू एक बार लेकिन के श्राप हो गल के आशीर्वाद के श्राप जे उढ़ावल ओके आशीर्वाद भइल आ जे चोरा के लेके भागल श्राप हो गई। कथा तो ही है यही कथा आपको बर्बाद कर देगी और यही कथा आपको आबाद में दवा के साथ कह रहा हूं। सती के बर्बादी बागी आबादी हो सती बर्बाद बड़ी की नहीं मोह कथवा नहीं सुन ली अब देखा जो तक का होता वरदान। शंकर जी कहले चल हम बार बार कही ले कि हरि के भजन बिन मरोगे पछताई के मरोगे पछताई के मरोगे पछताई के अशिव के भजन बिन मरोगे पछताई के ध्यान दीजिएगा सबको। कोई चढ़े हाथी घोड़ा पलकी सजाई के अरे साधु चले भुइया भुइया ए साधु चले भुइया भुइया चुटिया बचाई के साधु तो बड़ा बर्दाश्त करता है महाराज। अरे साधु चले भुइया भुइया चुटिया बचाई के हरि के भजन बिन मरोगे पछताई के खाए पीणा मिठाई रबड़ी बनाई के साधु खाए रूखा सूखा साधु खाए रूखा सूखा अरे भोगवा लगाई के
इतना टटोला बा लेकिन केहू केहू घरे भोग लागत हो। तुलसी जी के पत्ता के में पड़ी, प्याजू वाला में, लहसुन वाला में। अरे साधु खाए रूखा सूखा भोगवा लगाई के, हरि के भजन बिन मरो के पछताई के। कोई ओढ़े कोई ओढ़े साला दुसाला तो सक बिछाई के, साधु सुते धरती पर, साधु सुते धरती पर कमरी बिछाई के, हरि के भजन बिन मर छताई के। बतिया समझ में आवा था कि ना, जहिया मरल जाई तहिया दूगो दूत आवेल, दूगो दूत आई है धर्मराज जमराज। तो जमराज ओके ले जाइए जे कबो कथा ना सुनल, माई के सेवा ना कईल, बाप के सेवा ना कईल, अपना सासू के सेवा ना कईल, ससुर से सेवा ना कईल, अपना से बड़ा के जे सम्मान ना कईल, साधु संत का आदर नहीं किया, कभी भगवान की कथा नहीं सुना, तो मरने के बाद जमरा ले जाएंगे मारते पीटते। आ धर्मराज अकेले जे हैं जे मन मार के भगवान की कथा जो प्रेम से सुन रहे हैं, अपना पुष्पक विमान पर बैठा के, आसन पर बैठा के प्रेम से राम राम कहवावत ले चलिए। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा को बड़ा बारीकी से समझना। शंकर जी कहले चलो सती के लेके जब चलनी तब भोलेनाथ मन ही में सोचतनी कि अखंड नायक परमात्मा ब्रह्म का अवतार हो चुका है, अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुकल बा। शंकर जी जब लेके चले तो वही टाइम में सीता के रावण चोरा के लेके गेल है। के चोरा ले गेल है सीता के। आ राम जी जन जन के लोग से पेड़ पौधा से पूछत रहे कि हमरा सीता के देखल लोग ने सीता गईली है केहू ले गई है। आ वही टाइम में शंकर जी वही सामने अले कौने सोझे जहां राम जी रोवत रहले। दोनों हथवा जोड़ के शंकर जी प्रणाम कैले। के प्रणाम कैली राम जी के। आ जब प्रणाम कैले तो सती कहली अब के गोड़ लागत नी। शंकर जी कहले नीचे ताक। सती कहली देखत बानी कोनो 12 बरस का लड़का रोवा था। शंकर जी कहले लड़का नहीं है, ये अखंड नायक ब्रह्म है, ये परमात्मा है जिनकी कथा सुनाने ले गए थे। तो के जौन कथवा सुनावे ले गई हाँ यूहे कहाई। सती कली जे भगवान होकरा मालूम नहीं बा ओकर मेहरारू कहाँ गई, जे ब्रह्म होकरा मालूम नहीं बा ओकर मेहरारू कहाँ गई। अरे लोगो वो तर के कहो गो देल के यानी डॉक्टर साहब एक जने के पेटे के पथली रहल, नौजवान मर्दे के पथली रहल, लेकिन वो बचपने से चोर रहल, चोर रहल। चोरवा के पेट में पथली रहल तो डॉक्टर के लग गई, डॉक्टर परामर्श देने कि पेट को चिरवाना पड़ेगा। हाँ तो पेट चिरवावे गई, डॉक्टर साहब अपना 20,000 के घड़ी निकाल के टेबल पर रख दे। आ पेट चिरले, आ पेट चिरला के बाद टाका लगा दिले। डॉक्टर साहब अपने चेम्बर में गए तो देखो ना घड़ी है ना, पेटवा चिरवा के उ चल गए घड़िया लेके चल गए। के लगल चोर घड़िया के ले गए जौन के चीरा आई। डॉक्टर फिर में कहले कि भाई चेम्बर में तो कोई आता नहीं है, ये ऑपरेशन कक्ष है, यहाँ तो कोई आता नहीं है, अब पता करें कि घड़ी कौन ले गया। हाँ तो यही तरह सोचते माने डॉक्टर साहब बिचारा था ना, एक रहवा दिन उनका टाका कटले के टाइम आ गए। टाकवा 11 दिन पर कटा ला एक रहवा दिन अले तो डॉक्टर कहले कि अच्छा एक बात बताओ कहाँ आ, तो साहब टाका कटने का टाइम है, कागज है। कहले टाका कटने का टाइम है तो एक काम करना पड़ेगा, ऑपरेशन करते समय मेरी घड़ी जो है तुम्हारे पेट में टाका लग गया है, पेट में ही घड़ी है, ये चोर बक देगा कि नहीं बक देगा, फिर फरवाएगा फरवाई फेरू। डॉक्टर कहले तुम्हारे पेट में ही घड़ी मेरा बंद करके मैंने टाका लगा दिया भूल से, और पेट फिर चीड़ना फाड़ना पड़ेगा। कहले साहब चीड़े फाड़े के नहीं बा घड़ी चुरा के ले गए बड़ी।
कहां ले धोखाधड़ी करोगे। हे गांव में जेकर बेटा कमांड ना बा, जेकर मेहरारू कमांड ना बा, जेकर पतोही कमांड ना बा, हेतना लेक्चर देत हो पूरा मोहल्ला के अकेले परेशान। लेक्चर अपने घरे दो, पहले अपन सुधार लो। तुहार बेटा निम्न रहे, तुहार मर्द निम्न रहे, तुहार पतोही निम्न रहे, पहले अपने परिवार को सुधार लो, तब दूसरे को सुधारने के चक्कर में पड़ो। ये पांच उंगुलियां हैं, एक उंगुली दिखाओ तो सजी अंगुरी के आवता, चार को कौन उड़ावता, हथवाए तर कर। पहले अपने उड़ावता ना, पहले अपना सुधार कर लो। अपना सुधार हो जाएगा तो दूसरे को उपदेश देना बढ़िया है। उपदेश उहे देता जेकरे में इतना बुराई बा। हम एजू को बात ना ही कहता नहीं, अपने यहाँ का बोलता नहीं। ये गांव का लोग तो चैंपियन हो बे करी। अब बुझे वाला तो बुझते है बा कि बाबा नगदा लाइन धोले बानी। नौ दिन में तो नौ खोल के बात नहीं आई। दो दिन के बाद हम कथा बता देव कि कथा में का बा। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहें कि ब्रह्म है ये, सीता को रावण लेकर चला गया है, हमारे भगवान रो रहे हैं। सती कली अगर ब्रह्म है तो इनका परीक्षा ले। शंकर जी कहें भाई मन होटल ना, कथा सुने गलू है वो बाजार खतम है, बेजू परीक्षा ले बू कलिनाई परीक्षा ले। शंकर जी कहें मान ला बात मत जा, कलिनाई परीक्षा ले। कहले जा जब यह लीला बा तो तुलसी बाबा लिखल है कि हो न वो ही जोरा रचिरा खा। करी तर के ए जो जितना मर्द लोग पुरुष लोग बैठे हैं गौर करिएगा। अपनी मेहरारू करौरा एक बेर समझाए, दो बेर समझाए, अगर तीसरा बेर बात न माने ना तो ही चौपाई जरूर बोल दे जा होई हन वही जो राम रची। उनका दशा खराब हो कि नहीं मन, सती बिगड़े जता कि बन है। अच्छा मर्दे के कहल माने चाहे कि ना आई माने चाहे। अब तो एगो त्योहार आवता है दादा, यही महीना का बदिया पड़े लाओ चलनिया में झांके ले। सो कौन त्योहार हो कना हो करवा चौथ। जौन मेहरारू अपनी मर्दे के कबो गोड़ नहीं लागी तो करवा चौथ जरूर भूखी। कह देने टोला पर के भूखा तक ना ये दादा, वही मैं भूख ले चाहे उल्टा सीधा। मर्दे के कबो गोड़े ना लागो, बापे के पैरे ना छुओ, ससुर के गोड़े ना लागा, सास के गोड़े ना लगा, अब भूखा करवा चौथ। उ सिंगार को के चलनी में झांके लिखो है तरह है तोरे झांकल अता को। ये पूजा है कि मजाक है? अच्छा इतना लोग बैठल बा, ढेर लोग तो ना बा, एमे बतावे अपनी मर्दे के गोड़ सुबेरे के लागेला। जे लागत होई गोड़ ते उठाई हाथ, उठाबू जे का जाने झूठे ना उठा दिया। कबो कबो लागे वाला के ना, जे रोज लागत तो का सुबेरे ते उठाओ। एक दो चलो दो तीन जन बाड़ी लोग, तीन जन उठौले बाड़ी लोग, बाबा गोड़ लागी ले। अच्छा अपना मालिक के क्यों मरलहू बा, जे मरले हो कते उठाओ। मेहरारू कौन की पथले के पूजे मर्दे के भूजे न, पथले के पूजो मर्दे के भूजो। ध्यान से सुनिएगा, हमनी के नाव के सामने कहीं ना लिखल बात, दुर्गेश देव, वीरेंद्र देव, सतीश देव, सुभाष देव, ए ऐसा कहीं ना लिखल बा अगस्त देव। हमनी के सामने देव ना लिखल बा, ऐ लोग के मंजू देवी, गुड़िया देवी, डिंपल देवी, कुसुम देवी, अनारी देवी, जिलेबा देवी, अरे बाप बाप सब देवी है।
हालांकि देवी कहल जाला। एक लाख रुपया प्रयास करेगी हमारे घर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए ना बिगड़ी। अब महिला तनिके प्रयास करे तो नहीं बोलोगे कतनो रुपया कमा के ले आओ अगर घर के लक्ष्मी कु लक्ष्मी बा पुरुष के आदर ना करतिया घर का आदर नहीं है तो रुपया का पता नहीं लगेगा सारा रुपया है आपके जितना भी व्यवस्था है सब फेल हो जाएगा महाराज। औरतों को लक्ष्मी कहा गया है आप लोग घर के लक्ष्मी हैं। औरत चाहे ना तो 200 को रुपया बस सजा के धैले रही अब मर्द लोग तो जो कमाई बा पूछते अब जितनी पर वीरेंद्र बाबा डायरेक्ट बोले ले ये टोला पर बताइएगा गांव पर मर्दे के मलिका ही चलता कि मेहरारू के केहू जाने बोल दो हाथ ना उठा दिया हमारो चलता केहू का हिम्मत नहीं क्या कह दे हमारे समनवा वीरेंद्र बाबा हमार चले ला ये टोला पर के गांव के लोग के कहता नहीं रुपया कितनो कमा लो जो कहिए लोग तुमने हुई बाजार करे के बाद कप्तान गन तो पहले वे बैग उठा के यह चली लो दुकानी में जाइ तो पहले छठी है बीन है ई है रुपया गणत मैंने मर्द लोग का गर्मी उतरता। निवेदन हम करेंगे पुरुष का सम्मान करना जरूरी है आपको और जेकरी घर में औरत के सुन लीजिए जो महिला पुरुष का सम्मान नहीं करती हैं उनके घर में कुछ बचता नहीं है। आप लोगों को भी सम्मान करना चाहिए पहले जीवन में अपनी औरत को कभी गाली नहीं देना चाहिए। जितने पुरुष हैं सुनिएगा कभी भूल करके गाली मत दो अपनी औरत के ऊपर हाथ कभी मत उठाया करो। आप जेकरी घर में औरत रोवतिया महिला रोवतिया मार खातिया स्टैंप ले आई मैं लिख रहा हूं तारा घर के बरकत कबो ना हुई उस घर में कुछ रही नहीं जाएगा महाराज। लक्ष्मियों को रुलाना नहीं है निवेदन करना है कि लक्ष्मी की कृपा मेरे घर में हो। शंकर जी बार बार मना कह ले तो सती मना ली ना मन ली शंकर जी कहें जा हो न वही जो राम रच रखा आ को करी तर्क बढ़ावई रहली सती बन गली सीता अयो पाल्टी नगदा भावकाली पाल्टी है। महिला नाम जहां आवेला ना बहनों से निवेदन करेंगे कभी पति के सामने ब्लैकमेलिंग करके काम ना किया करो आप। अब महिला को चाहिए कि अपने हस्बैंड से कभी झूठ ना बोले ना अगर लायक महिला है स्टैंप ले मैं लिख रहा हूं उसके घर का बढ़ोतरी कल से ही शुरू हो जाएगा। हम लाइन बता देंगे कि क्या करना है जेकरी घर में इतना काम ना बा धन होता रुकत ना बा हरदम एक जने बीमारे रहत अड़े आज ले जेकरी घरे औलाद ना भइल बड़े जेकरा घरे लड़का के लड़की के पढ़ले में मन ना बा जेकर मर्द बेटा कमाए जाता लवट के चली आवता इस सारा व्यवस्था हम बता देंगे 9 दिन में कि आप घर में क्या करो कि आपको फल प्राप्त हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले जा रहली सती बन गली सीता आ सीता बन के गैली त राम जी के आगे में कूद चल तड़ी असली सीता राम की आगे चल ली की पीछे नहीं बोलो पीछे चलती हैं आ नकली सीता कहां चल तड़ी आगे। लक्ष्मण जी कहले प्रभु हो देखिए आओ देखिए राम जी कहले दिखावा ना खुदे दिखावे आवा तड़ी आ जब हे पड़े भैली तो राम जी दोनों हाथ जोड़ के तुलसी बाबा लिखले कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु आ पिता समेत लीन निज नामु हथवा जोड़ के प्रणाम कैले आ ज्यो प्रणाम कैले तो सती तक कांपे लगली समझ में आ गई सगरी नकली काम फेल हो गई। वीरेंद्र बाबा कितनो अफवाह बोल रहे लेकिन मंच मेरा फेल हो जाएगा तो हम फेल हैं कि नहीं है नहीं है तुरंत फेल हो जाएंगे लेकिन ये चीज फेल नहीं होना चाहिए कि बाबा जो बोल रहे हैं जितने लोग आ जाए कांटा करके उसको सुनने का प्रयास करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। सती लगली भागे भागत भागत अली भोलेनाथ के लग बहु के लग शंकर जी आसन मार के बैठल बनी भगवान राम की कथा कीर्तन में लीन बनी। शंकर जी जब तकले तो देखत ना सती है तर हाफत अड़ी कहले का भइल सती कली का भइल रहू गोड़ लगली मऊ गोड़ लग के आवतन सही बोली कि झूठ बोला हो सही बोली कि झूठ झूठ बोली को गलती हो गई कथा सुने गई ली कथा नहीं सुन ली रास्ता में आई ली मना कैले बात ना मान ली
आईबो कैली तो झूठ को गलती हो गए तीन गलती शंकर जी कहले लो अजुअल लिखलो रहल है जितना लोग एजु के बैठल बा एकर के गारंटी ले कि बिहने हमनी के सूरज देखल जाई का जी बा के पता बिहने सूरज देखल जाई है माइक लगल बा कोई गारंटी है मैं कथा बोल पाऊंगा एक सेकंड के मेहमान हम लोग हैं महाराज शंकर जी कहले लो जब हमसे धोखा कर देलू परमात्मा से धोखा कर देलू आ चारों तरफ से तोहार विश्वास कम बा तला आज यही जो सेवा समाप्त तुलसी बाबू लिखल है कि यह तनु भेंट सती अब अब नाही शिव संकल्प की न मन माही बोल दी शंकर भगवान की शंकर जी एक बेर में पूरा लाइफ खराब यह तनु भेंट सती अब नाही अशिव संकल्प की न मन एक बेर सती के मालूम हो गल की बहुरहू तो नाराज हो गए अच्छा बताई रउरा पाच का मालिक ऋषिया जात के जान पाई ऋषियाल बड़े तो बुझ पैबू आ तोहलो नाराज हो जा तो रसोईया परोसत में चिन्ह जेबू लोग बनल बाजार बतर पसंद से थरिया धारा आई नींबू काट के दी अचारे का मरचा दे भड़ुआ मरचा दे खाए है ना पूछ के खिए बू लोग अब बाजार बगल बात है तार धराई तक ही ये जुबा फिर फिर ताके ना ही आई शुरू हो गई कथा ए बेर मर्दे मेहरारू में रिसा खिसी भइल है तो मौगी मर्दा से नहीं बोले मार बोल चलना ही रहे जाड़ा के महीना रहे इतना चैली बार के मर्दा तापत रहे बाहरा निकल के तब तो मौगियो आई तब तो मर्दा बैठल बा हे पड़े मौगी बैठतिया हे पड़े जब बोल चल लिखे तो खाता तो कौल हो के दोनों उल्टा बैठल बड़े वो तापतिया वो तापता तब तो एगो चूनी छटक के कर धोती सुन गए लागल धोतिया के पहले रहे मर्दन पहिर ले बा एकर धोती सुन गए लागल आ जब सुनगल देखल से बड़ा चालू जाती हे तर तुरछे तकल आ जब सुनगल देखल तो कहल दादा धोती तो धरे धरे जात आय अब बोल चाल है ना कैसे कहीं रो जर था अब बोल चाल है नहीं रहे तीन महीना से मौगी खड़ा होकर होतना दूर पर गई अब वो पड़े मुंह को कहत या केहू को धोती जर है हमारा का लेवे दे केहू को धोती जर है हमारा का लेवे दे धोतिया वह पहर ले रहा उनसे बोले गई धोतिया रगड़ के बुतावल है आ कच्छ दे गोड़े पर गिर गए कहले ले कान पकड़तनी आज से कबर उसी आई बिना पहले के बोलल मर्द की मेहरारू मर्द बोल हई भाई जाति थेथर जाति हो मेहरारू कोनो ऋषि आई तो बोली मर्दे से शंकर जी गईले कैलाश पर्वत पर समाधि ले ले समाधि शंकर जी के लग गई आ जब समाधि लगल तो ये बाबू 87,000 बरस तक लेना शंकर जी के समाधि कितना दिन के लगेला 87,000 बरस और 87,000 बरस सती सोचे लगली कि भोलेनाथ एगो भगवान की कथा ना सुन लिया परीक्षा ले लेने रुआ इतना बड़ा तप लेकिन 87,000 बरस जब तपस्या में लीन भइले त सती हथवा जोर जोर जाके निवेदन करे तन एक लाइन गाली हिल जा कि रउए सरनिया में बानी हे शिव शंकर दानी हे शिव शंकर दानी हे हो शिव शंकर दानी अरे रउए सरनिया में बानी शिव शंकर दानी शंकर दानी।
सूती पोते कमर मृग छाला हे जटवा से गंगा महारानी शिव शंकर दानी 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 बोल दी शंकर भगवान की। 87,000 बरस के बाद बाबा तकली तुलसी बाबा लिखली बड़ी सुंदर भाव है। राम नाम जब सुमिरन लागे राम नाम जब सुमिरन लागे जानी सती जगतपति जागे राम नाम जब सुमिरन लागे आ जानी सती जगतपति शंकर जी के जागल जब जनली त सती गईली हथवा जोर के सोचत अड़ी शंकर जी कले आवा बगल में बैठो सती कली स्वामी आप नाराज बानी शंकर जी कले ना नाराज तना बानी बैठल बड़े आराम कथा शंकर जी फिर सती से कहे लगले आ वही टाइम में आकाश मार्ग से सगरी सती के बहिन या बहनोई रास्ता में जाता लो सती कली स्वामी सब देवता लोग कहाँ जाता रहे हमार सगरी बहिन बाड़ी बहनोई बाड़ा सब लोग जाता रहे शंकर जी कहले तुहार पिता राजा दक्ष जग कर तड़े आ यही जग में सबके निमंत्रण लाल बा तोहके बोला हट ना आइल बा कली जब हमारी नैहर में जग होता तो हमारे घर नेवता कहे ना आइल बा इतनी पर दुर्गेश घरे जग की कथा होता आ दू बहिन बोलावे एगो कनो बोलावे तो हल्ला हो जाएगी ना हो जाई तीन को बहिन बोलाना फुआ को ना बोलाओ तो फौदारी हो जाए कि नहीं हो जाई नहीं हो जाई बुलावे तो सबके बुलावे ना तो न बुलावे ना बुझाई लेकिन सबके बोलोले बने राजा दक्ष एगो बेटी के ना बोलो बने कौने के कौनी बेटी के सती के ना बोलोले सती के कई बेटी ने कई बहिन ने बाड़ी और राजा दक्ष के 27 बेटी के प्रमाण है लेकिन जमाना बड़ा गड़बड़ है महाराज आज सोचे वाली बात बा सती के नाई बोला हाँ टाइल बा शंकर जी कहले तुहरा पिताजी जग कर तड़े और जग में सबके नेवता आइल बा हमारा घर नेवता ना आइल बा सती कली यथाई बताई नैहर हमारे केहू जाई कि ना शंकर जी कहले जब नेवता ना आइल बा तो हम तो यह कब केहू ना जाई। अच्छा ये बात सती के मान गल चाहत रहे कि ना जब नहीं आइल बा तो नेवता तो ना जाए नैहर गए का मिले बा अब तो इतनी पर नैहरो के जमाना बड़ा गड़बड़ बा पहले पहले ननद 100 लिपत रही हो का जन ये जो चलता कि ना ही कुल लीला पहले ननद 100 लिपत रही है बेटा भइल बा तो यहाँ ननद 100 लिपे अब ननद नहीं 100 लिपत रही अपने बहिन के बोला के 100 लिप आओ तड़ी सो आ जे जे भौजाई अपना ननद से साथे तरह कांटा करता तोहरो बेटी हो ओ कहीं जाई यही तरह हल्ला रही नहीं बुझाता तीन गो चीज अपने जीवन में एक बेर मिलेला अपनी माई के लेखा केहू माई ना मिली दुआरे पर अगर बेटा हो तना बाप कहीं आ गई ल तो कहीं आ गई बाप कहले आ गई ल तो कहीं आ गई आ माई बैठल बा तो कही बाबू गए कुछ खैल हव कुछ खैल हव कहले गए खैली हम खैल के माई पूछी कमाई ना पूछी बाप कहले आ गई माई कहती है खैल ह कुछ आ तनि लेके भीतर गए तो मेहरारू कहती है कितना कमाइल ह कमाई माई पूछे लगी मेहरारू माई कबो कमाई ना पूछी
बोरा के बोरा नोट दुर्गेश कमाल है, लेकिन महतारी कबो ना पूछी दुर्गेश कितना रुपया कमैला। हाँ, घर वाली जरूर पूछी कारो रिवाज कितना बनल बा। माई के लग रुपया दुर्गेश अपना दे दे, कौ गड्डी दे दे, जौने तरह रुपया दे बना गारंटी हम बोलता नहीं, जौने तरह रुपया दे बना वही तरह माई धैले रही। आ जब कहीं हम पैसा ले आओ तो रुपया ला कोई तरह थमा दी, वो रुपया गनले से धैले से कौन ओकरा मतलब ना बा। अच्छा तो वह रुपया गड्डी के मेहरारू के दे दे जा तो ओमे दू तीन गो खींची की ना ना खींची ना खींची जो गो गड्डी निकली है का हो में पांच गो कम बा, हमें दू गो कम बा, हमें तीन गो बा, का भइल रे। अरे बाप हो बाप, हम कसम खाता नहीं कुछ नहीं कि कहले हो दादा। खाली दुर्गेश के बात नहीं होता है, मैं जे जे बैठल बा लाइन बना ले चाहिए, परिवार से धोखा ना करे चाहिए, संसार से धोखा ना करे चाहिए। अब भवसागर पार कर जे धोखे कोखे तो भगवान से धोखा कभी धोखाधड़ी नहीं। और धोखाधड़ी करने वाले के घर में लक्ष्मी नहीं रहती है, कभी नहीं। धोखाधड़ी करने वाले के परिवार में लक्ष्मी रुकती नहीं है। जहां लक्ष्मी के कृपा हो जाई वो जो दरिद्र के कृपा ना हुई, जहां लक्ष्मी आ जाए है ना वो जो दरिद्र ना जाई, आ जेकरा घर में दरिद्र चाप देई ओकरा घर में कभी लक्ष्मी पैर ना डली है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी से सती कहली कि स्वामी आप तो नाराजे बानी, लोग कहां जाते रहे, कला तर नैहर में जग होता। सती कहली नैहर में जग होता तो बताई केहू जाई कि ना। शंकर जी कहले जब नेवता नाई अलब तो हम तो कहब केहू ना जाई। सती कहली रुरा जाए भी चाहे ना जाए भी हम तो नैहर। शंकर जी कहले कान खोल के सुन लो, नैहर जैबू जरूर लेकिन तहार इज्जत होई ना। जेकर बेटी मारुति में बोला के आवत या ओकर इज्जत होई, आ कि झोरा लेके धाने पड़े भागल आओ तरी उनके होई। जौन आदर से बुलावल जाई तो ओकर सम्मान होई, आ बिना बुलावले लबर लबर चलल बड़ी बेसम्मान। देखिए तीन जगह बिना बुलावल जाए के चाहिए, कहाँ कहाँ गुरु के यहाँ जाए के बाद बिना बुलावल जाई सम्मान मिली, कोनो मित्र के यहाँ जाए के बा बिना बोलोले जाई सम्मान मिली। अब भगवान की कथा में आना है तो दुर्गेश से भले बोल चाल ना हो खे, लेकिन आकर के कथा में बैठो, परमात्मा आपका कल्याण करेंगे, कभी जीवन में कोई घटना नहीं होगा इसमें कभी नहीं। लेकिन बड़ा लार प्यार नैहर में मिलल बा बिना बोलोले गोइलू तो वह हो कछते अलू आ कछते सती का होके जाता। सती कहली कि रौरा जाए भी या चाहे ना जाए हम तो नैहर जाए। शंकर जी कहले दिल खोल के जा लेकिन हमार दोष न दियो, तहार भला नाई बा, तके समझा दे तनी नैहर जा तड़ू भलाई नाई बा। नैहर में गैली सजी बहनिया दौड़ल बड़ी पनर एगो। पहली बहन कहतरी ये दीदी तोरे घर न्योता गैल हल। अच्छा बताई पहले हाल चाल पूछल जाला, पानी पियावल जाला, आ कि लाठी पहले में मारल जाला। पहली बहन कहली नेवता गैल हल, कहली ना नेवता नहीं गैल हल। तो दूसरी बहन कहली का बिना नेवता के लब्ध चली अलू। तीसरी बहन कहली ए घरवा बनल गी अबो मड़ैये में रहलू, कहली मड़ैये में रहली हमार दिन वही में बीतता। शंकर जी के कोठा की मड़ई मड़ैये हो। चौथा बहन कहली कि कपड़ा लत्ता पहरल गी अबो उघारे रहले। सती कली हमार स्वामी उघारे रहले बाघंबर लपेटेले। पांचवा जने कली भात रोटी बने लगी अबो भंगिये पीसेलू। सती कली अब बहिन लोग से तब बोध हो गए, बहिन केतनो खुश होई तो तार बुराई छोड़ के अच्छाई नहीं करी। लेकिन माईयो अपनी बेटी का कब बुराई करी, करी माई, माई अपनी बेटी का बुराई कबो करी। एक लाख बुरा बेटी होके तो बेटी के बुराई कबो माई करी। आ माई के दाह कबो सास पूरा दी है, माई के दाह सही बोलिएगा। जेकरा नैहर में महतारी नाई बाड़ी भले चार गो भौजाई होके, चार गो भाई होके, ट्रैक्टर होके, ट्रक होके, रुपया पैसा खजाना होके, लेकिन ये गो नैहर में माई नाई बा नैहर जाए के मन करेला। अरे बिना माई के नैहर कैसा। लेकिन सती के सब भरल बा लेकिन तब वो इज्जत बाना।
औरत के इज्जत के करे चलते होला, बेटा के चलते कि मर्दे के, नहीं बोलेंगे? अपने पति के चलते औरतों का सम्मान होता है। 1 करोड़ रुपया धन होके घर में, कभी भी घमंड अभिमान करना चाहिए तो बेटा के चलते नहीं, बेटा पर कब्बो न धधैया, धधाए के बाद तो मर्दे पर धधा, मर्दे के चलते जौन मन करे कपड़ा पहिर लो, मर्दे के चलते जौन मन करे गहना पहिर लो, अपने हस्बैंड के चलते जो चाहो कर लो, लेकिन बेटा तो ऊ करता ना कि माई के आंसू ना जुटता कि कहां से रोई अब। इतनी पर तो हई लीला चलता है, कजनौरे यहां बौलिया में चलता नहीं, हमारे और तो खूब चलता। आर घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा, बंटवारा के बीमारी आ घरे संग है बांटल जाले बाबू हो, अरे घरे संग है बांटल जाले पाप महतारी, घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा, बंटवारा के बीमारी आ घरे संग है बांटल जाले। ईमानदारी से बौलिया के लोग बोलेंगे, बाहरी नहीं, घर बटाता, खेत बटाता, रुपया बटाता, सब बटा गई, पहला प्रश्न उठाता कि माई के करे में रही, अब बाबूजी के करे में रही, 3 बेटा बाण है, बड़की पतोही से पूछाती है बुढ़ाऊ के मिलाइबू अपने में हो, तब बड़की कहती है बुढ़वा से हमसे पटल लनाई रो रो, हम नहीं बुढ़वा का अपने में राखब दादा, बुढ़वा छटा गए। मझली पतोही से पूछा था बुढ़ऊ के अपने में मिलेबू, तो मझली पतोही कहती है बुढ़ऊ हमारे में आवे, लेकिन बूढ़ा के 1 घंटा रहे ना जब हम अपने साथ नहीं रखो। बुढ़िया सोचती है दादा हम के करे में जाए, प्रधान जी से पूछाई कि अब बुढ़िया के में जाई, छोटकी पतोही से पूछाई कि का हो बूढ़ा के तू अपने में रखबू, छोटकी पतोही कहती है बूढ़ा हमारे में आवे, लेकिन प्रधान जी लिखा पढ़ी कह दी है जहिया ले बुढ़ऊ जी है कबो भूला के बूढ़ा कबो बोली है मत बुढ़ऊ से, घर बटाता हो, घर बटाता कजन, ये टोला पर ही कुले होता कि नहीं होता था। हमारा तो बुझाता है जो जौन होता जौन कहीं होते नहीं, है जो ना, ये जो जौन होता जौन कहीं नहीं होता। वीरेंद्र बाबा 9 दिन में कलासे कह दी है, कहो बुढ़वा बुढ़िया कहाँ जाई है, आज जेकरे घरे बुढ़वा बुढ़िया रोई है उनका निमने बीती, चमचम रहबू पथली होई ए, अब कौन कौन बीमारी होई है दादा, इन्हें बुढ़िया का छती है तो हूँ कबू, अरे माई, अरे दादा, अरे करहिंगवा टीसता हो दादा, अरे बड़ी पीराता, बड़ी दुख आता, चलता नहीं डॉक्टर से, ऐसा ही यहाँ चलता नहीं है, भागल जा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, ध्यान देना हम कथा नहीं बोलते हैं, जेकरी घर में सासू के इज्जत होई, ससुर के इज्जत होई, अपना पुरखा पुरनिया के इज्जत होई, स्टैंप ले आओ मैं लिख रहा हूं तुम्हारे परिवार में कभी किसी प्रकार का रोग नहीं आएगा, रोग बीमारी तो करे घरे आओता जो घरे बूढ़ी का छतिया, हे मैं कितने बूढ़ी बाड़ी कह तो ये बड़को पानी देबू एक लोटा पियास लागल बा तो ऊ सुन के हेने गइल, हे मझिलो पनिया देबू सुन के हेने गइल, छोटकी लियो तू बे बिना माजल धोल को तेल लहू रल लरे लल पी ल पानी पानी कइले बाड़ू बा बुढ़िया पानी ऊ घोटी की माहुर हो गए, कहो पी जाई हैं, पी जाई पानी, कहा चल तक नहीं हमारे यहाँ तो चले ला, अपने सासू को कह ली छो कहाँ गल बे रे बुढ़िया, कह दिया के हूर ले रे ली ले, कहाँ गल बे कह दिया के ठेस ले, हम लाइट बुतावे जाता नहीं फाटक बंद कर देवा यहाँ चाइना, आ तोहार पतो ही जाइया तो हो ठेसे कर रेले कही तो ये भाषा है, आदर से कहो नाती से ए बेटा से कि बाबू अपने दादी के बोला दे आगे भोजन कह ली,
एमे का लागता खाइल कहले में खोइले में आ भोजन पौले में आ रेलले में हुरले में अंतर नहीं है। ए टोला पर नाइन के कुल बोलेला बुझे वाला बुझ ला लोग बुझाइए देव हम हमार कथा नहीं है सीधे संस्कार। पर जीवन में बोलने का तलने का तरीका नहीं आया तो ये कथा में राम कथा में बैठ के क्या करोगे। सती के सगरी बहिन दूर दूरा दिली सती कली अब कोनो बहिन से प्रेम नाई बा। आज जमाना खराब के कर चलते बा सती अपने चलते जमाना खराब के लिए बड़ी। आज शंकर जी सथमा आई लता तई दशा हो रौरा अपना मर्दे के साथे कप्तानगंज शहर में जाई आई अकेले बेग लटका के जाई देखी दोनों में अंतर बागना बा ना अंतर बा। अगर बेग लटका के मर्दे के साथे बानी ना जहां मन करी तहां आए जहां मन करी तहां जोन मन करी तोन खाली चौमिन बनवा के खाली बर्गर बनवा के खाली आइसक्रीम लेके गप गप चाटन के देख के का करी ओकर मर्द लगवे खड़ा बा आई अकेले जहे तो जोन महिला अकेल बेग लेके जाती हो उकरे पीछे दस लोग कमेंट करते होंगे आज जोन अपने पति के साथ हर हस्बैंड के साथ जाएगी उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। एक आपका पहचान है सिंदूर और सिंदूर करने वाली बहनों से निवेदन करेंगे अपने विचार को बदलने का प्रयास करो। आप हमार कथा बेजाई ना बुझाता हम रौरे वाली बोलब समझ ली चाहे ना समझी। सती जब गईली माई के लग एगो महतारी भरे कवारी में दह के बड़ा फूट फूट कर रोली कली की चला पानी उनी पी लो भोलेनाथ आओ तनिक ना। सती कली भोलेनाथ कहाँ हो तनि ऋषिया तो ऊहे पर बात वही ऋषि तेवता ना दिल हम। सती कली पिताजी कहाँ बारे महतारी कली की जगशाला में हवन होता वो जो बैठल बली। हाँ जब सती जगशाला में गईली तो तुलसी बाबा लिखले कि कहीं न दीख शंकर कर भागा शंकर जी के कहीं जग में स्थान दिले ना रहे। एक बेर सती कली पिताजी प्रणाम राजा दज कले खबरदार बिना बोलावल आइल बड़ू बिना बोलोले अपना घर चल जा। अब हमरा मालूम हो गल तू आइल बड़ू तो पीछे लागल हो ही है कोनो औरत अपने नैहर जाती है तो मर जाएगी ना जाई दुइये दिन पर भागल जाई। राजा दज कहले जौना तरसे आइल बड़ू पैर उठावा अपने घर चल जा। सती कली पिताजी रा और पैर छुअतनी का बोलतनी प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनुपाई हमार नाम सती रौरा रखले बनी शंकर जी से बियाह रौरा कैले बनी कन्यादान दिले बनी अब कहतनी जाई। राजा दज कले फौरन चली जाओ मेरे वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। सती कली जब हमरा शिव के अपमान होता शंकर जी के अपमान हमारे सिंदूर का अपमान हो रहा है तो तहरी जग के होखे ना दे। जगशाला के बगल में सती खड़ा हो गई है बाबू और सती जोग अग्नि में जर के मरे लगली। तुलसी बाबा लिखले मरत सती हरि सने भर जनम जनम पद शिव यनु रागा। बोल दी शंकर भगवान की मरत सती हरिशन बरमागा आ जनम जनम पद शिव अनुरागा। जगशाला के बगल में जोग अग्नि में सती जर के मर गईली आ जब सती मर गली तो शंकर जी अपन जटा पटकले धरती पर वीरभद्र तैयार हो गई शंकर जी के सारा गणन में
सबसे बदमाश गण वीरभद्र। आज जब वीरभद्र गए बा तक घमासान लड़ाई शुरू हो गई, कई हजार लोग के मार के गिरा दिले। शंकर जी अपन त्रिशूल छोड़ले बने, प्रजापति राजा दत्त के गर्दन कट गई। आज जब गर्दन कट गए बा तब बहुरहू गए। रामायण के शिव पुराण की कुछ चर्चा मैं बोल रहा हूं, रामचरितमानस का ही चीज नहीं है, शिव पुराण। सती के मरल लाश शंकर जी अपने गटई में बांध ले, बाद में बकरा के मुड़ी जोड़ल गल बा। सब लोग आप लोग कथा के जानी ले, सती के शरीर मरल। अच्छा मेहरारू मर जा तो कौन मर्द गटई में बांधी, हमने के जरा दिल जाई तो दफना दिल जाई, फूंक दिल जाई। लेकिन शंकर जी मरल लाश लेके गटई में चले लगले। विष्णु भगवान कहले कि भोलेनाथ अनर्थ होता, ये आप का करतनी, मरल लाश या तो जरा दी ना तो दफना दी। लेकिन मरल लाश जब लेके चले लगले तब वीरेंद्र बाबा लय बतावले, आरी किया हो रामा, अरे सती के शरीर आए बाबू, अरे लिहल त्रिपुरा रिया हो। केकर लाश लेके चलल बनी, सती के अपना औरत के लेके लाश। आज जब चले लगले तब विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र उठा लेले। एक बेर सुदर्शन चक्र उठा के नचौले, 51 गो टुकड़ा धरती पर गिरल। सती के शरीर 51 टुकड़ा जब गिरल तो सिद्ध पीठ दुर्गा का अवतार माना गया है।
सती जी मरल बड़ी तो का नाम धल गई सिद्ध पीठ दुर्गा का अवतार। यहाँ देखिए टुकड़ा का अवतार की बात मैं कर रहा हूं। आज जब सती मर गली तो शंकर जी कहले धरती पर ताकम ना, जब से सती जाई तनु त्यागा तब से शिव मन भयउ बिरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले लेले। आज जब बैराग लेले वही टाइम में जन्म हो गई। सती मर गली तो फिर जन्म होता, गौर से सुनिएगा। तेही कारण ही मैं गिरी गृह जाई आ जन्मी पार्वती तनु। का नाम धरा गेलो अब नौवा का धराई। सती के बियाह के चर्चा कहीं ना ही लिखायल बा, लेकिन पार्वती के बियाह के चर्चा बा कि ना। तिलक चढ़ी बरने तियाई बियाह होई बाप बाप कुलकुल होई। कथा बदलत आ बीजू से। सती के जन्म हो गई, लेकिन शंकर जी जब आंख मुलने तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गई। तारका तैयार हो गई, सारा देवता लोग के भूजे लागल तड़पावे लागल। सारा देवता लोग त्राहिमाम कह के ब्रह्मा जी के दरबार में गए लोग। ब्रह्मा जी पूछली आप लोग कहाँ आई वाली। देवता लोग कहले सरकार सती जाके नैहर में मर गई, अब बउरहू आंख मुल ले ले बड़े। ये पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार बा हमनी के मुआवता भूजता। ब्रह्मा जी कहली पहले जाके शंकर जी के ताकावा लोग। शंकर जी ताक तो पार्वती से शादी हुई, अब पार्वती से शादी हुई तो कार्तिके के जन्म हुई, आ कार्तिके के हाथ से तारका के बदल लिखल बा। प्रोग्राम जो चल रहा है ना ग्राम सभा बोलिया कप्तानगंज लाइव कथा चल रही है। आपके जिनके घर में मोबाइल है इस नंबर को सब्सक्राइब करेंगे, वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके मेरा चैनल है, और यूट्यूब को खोलिएगा वीरेंद्र तिवारी ऑफिशियल करके। बौलिया बसहवा टोला का नाम रखिए, तुरंत ये सारी कथा आप अपने घर में बैठ करके सुन सकते हैं। लेकिन घर में कथा में और पंडाल में अंतर है कि नहीं? अंतर है। अच्छा आज कथा जो चलता है कथा केकरा केकरा बढ़िया लगता तनि हाथ उठाए। नहीं कथा के दुश्मन को गोल बड़ा उठा ला था बरियार है, ताली बजा बरियार है। तनि दो मिनट बिचवा में ब्रेक लेहल चाह तनी हम दो मिनट ब्रेक। अब ब्रेक एकरे खातिर लेवे के बा। अच्छा बताई कथा जौन सुनल जला ओकर दक्षिणा देवे पर लग ना नहीं देवे पर ला। मिनट और कथा हो जाए बाबू आप लोग दो मिनट रख लीजिए, कमरे को चलाइए भी कमरा दे दीजिए, दो मिनट और रख लीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। ये जगह पर कथा आई बा, सारा देवता लोग घबरा गई ले। ब्रह्मा जी से कहल लो सरकार कैसे हमनी का जियल जाई, पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार बा हमनी के सबके मुआवता भूजता तरपावता। ब्रह्मा जी कहले पहले शंकर जी का ताकावल हुए। शंकर जी जब ताके तो पार्वती के शादी हुई, अब पार्वती से शादी हुई तो कार्तिके का जन्म होगा, आ कार्तिके के हाथ से तारका का वध होगा। यह ब्रह्मा जी से कहत आलोगा, ब्रह्मा जी सिखौल है। अरे हाथ जोड़ी पूजी ले चरानावा ए प्रभु जी सुनी ना कहानावा। Hey!
ब्रह्मा जी कहली एगो कार कर लोगे जाके शंकर जी के ताकावे लोगे, शंकर जी ताकब तो पार्वती से शादी हुई। अब पार्वती से शादी हुई तो कार्तिके के जन्म हुई। कार्तिके केकर बेटा हम? अच्छा बताई, सती के शरीर से लड़का बच्चा रहल है केहू ना रहल, कारण का? तो कथवे में इनका मती उल्टा हो गई। जेकर दिमाग कथा में ना आई, भगवान की प्रवचन में ना आई, सत्संग में ना आई, उनके परिवार के कभी दुख दरिद्र गरीबी जाने वाला नहीं है। बारास प्रेम करेगा तो दुनिया वालों से नहीं, गांव जवार से नहीं, समाज से नहीं। अगर प्रेम करना है तो पहले भगवान से प्रेम करो ना, परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। दुर्गेशों से धनाट लोगे गंगा पर बा, बाकी ना बा, अच्छा अच्छा करोड़पति लाखपति बाड़े, लेकिन कथा का दुर्गेशे के माध्यम से जरूरी रहल? सातो टोला में इतना बड़ा प्रोग्राम कोई हुआ कभी? हुआ है, पहला कार्यक्रम है और 9 दिन का कार्यक्रम है। 9 दिन का कार्यक्रम सुनने के बाद आप विचार बना के वीरेंद्र बाबा आप क्या बोल गए, समय पर जरूर आप लोग ध्यान देंगे। टाइम आपसे बताया गया है 8 बजे से 11 बजे रात्रि तक। सभी लोग अब प्रेम से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। सब लोग आ जाएं आगे, पीछे वाले कुर्सी पर जो बैठे हैं आप लोग भी आगे आ जाइए। सब लोग आगे आ जाएं। माता